हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर आज हम बात करने वाले हैं एक और यूनिवर्सिटी विथ जॉर्ज पीले की सो लेट्स गेट स्टार्टेड जॉर्ज पीले वाज बोर्न इन द ईयर 1556 एंड ही डाइड इन द ईयर 1596 वो इंग्लिश ट्रांसलेटर भी थे पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे शेक्सपियर का जो प्ले है टाइटस एड्रानिस वो जॉर्ज पीले के साथ कोलेबोरेटेड है दैट मीन्स जॉर्ज पीले और शेक्सपियर दोनों ने मिलकर ये प्ले लिखा है जॉर्ज पीले डाइड ड्यू टू पॉक्स पॉक्स की बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई तो नेट के हिसाब से आपको डिटेल इनकी बायोग्राफी की ज़रूरत नहीं है तो हम सीधा इनके वर्क्स पे आते हैं इनका फर्स्ट वर्क है द अरेंजमेंट ऑफ़ पेरिस विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1584 द अरेंजमेंट ऑफ पैरिस की आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है बट हाँ एक स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए तो वो स्टोरी लाइन मैं आपको बता देती हूँ एक कैरेक्टर है जुपीटर और एक कैरेक्टर है पैरिस तो जुपीटर पैरिस को बोलता है कि ये गोल्डन एप्पल है तुम ये गोल्डन एप्पल किसे देना चाहते हो तीन गॉडेसेस है वहाँ पे वीनस पैलेस एंड जूनो कि भाई इन तीनों गॉडेसेस में से तुम ये एप्पल किसे देना चाहते हो तो पैरिस वो गोल्डन एप्पल जो है वो वीनस को दे देते हैं इस वजह से जो बाकी की दो गॉडेस हैं वो पेरिस पे पार्शियल्टी का इल्ज़ाम लगाती है और फाइनली जो केस है वो डायना के पास जाता है और डायना से कहा जाता है कि भाई तुम फाइनल डिसीजन लो कि ये गोल्डन एप्पल किसे देना है और डायना फ़ाइनल डिसीजन में वो गोल्डन एप्पल तीनों ही गॉडस को न देकर एक निम्प को दे देती है जिसका नाम है एलिजा और यहाँ पे जो एलिजा का कैरेक्टर है वो रेफ़र करता है क्वीन एलिजाबेथ को तो आपको ध्यान रखना है कि द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस में जो एलिजा का कैरेक्टर है वो किसे रिफ़र करता है या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं या कौन कौन से गॉडेसेस हैं तो ये आपको ध्यान रखना है सेकेंड वर्क है इनका एडवर्ड फर्स्ट एडवर्ड फर्स्ट मार्क्स अ स्टेप टू शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल ड्रामा शेक्सपियर के जो भी हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं ऐसे माना जाते हैं कि वो एडवर्ड फर्स्ट से इंस्पायर्ड है यानी एडवर्ड फर्स्ट पहले जॉर्ज पीले ने लिखा और उससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल ड्रामाज लिखे और वर्क है द बैटल ऑफ एलकेजर। द बैटल ऑफ एल्केज़र में आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राइडन का जो वर्क है डॉन सिबेस्टियन उसका और द बैटल ऑफ एल्केज़र का जो थीम है वो बिल्कुल सेम है तो इन दोनों ही वर्क्स का जो थीम है वो सेम है द बैटल ऑफ एल एंड डॉन सेबेस्टियन बाय ड्राइडन फोर्थ वर्क है सर क्लेमॉन एंड सर क्लेमिट्स इसका ओपन कहाँ हो रहा है ये सीन यानी इसकी सेटिंग कहाँ है वो आपको ध्यान रखनी है इसकी सेटिंग है डेनमार्क में तो सर क्लेमॉन एंड सर क्लेमिट्स की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है प्लस इस वर्क ने शेक्सपियर के कई सारे प्लेस को इन्फ्लुएंस किया है तो उन प्लेस के नाम आप ध्यान रखिए एज यू लाइक इट अमित समर नाइट्स ड्रीम सिम्बिल हेनरी फोर्थ पार्ट टू तो आपको ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के ये सारे जो वर्क्स हैं इनको स क्लेमिन एंड स इस वर्क ने इंस्पायर किया है फिफ्थ है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथसेप ये एक बिब्लिकल ट्रेजडी है बिब्लिकल ट्रेजिडी मीन्स बाइबल के किसी इंसिडेंट पे ये वर्क लिखा गया है तो ये एक बिब्लिकल ट्रेजडी है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर नेक्स्ट वर्क इज द द ओल्ड ओल्ड में थिएट्रिकल डिवाइस प्ले विद इन प्ले यूज हुआ है हमने देखा था कि सबसे पहले ये जो थिएट्रिकल डिवाइस है प्ले विद इन प्ले ये थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजडी में यूज हुआ था थॉमस किड का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं उसके बाद ये जो थेट्रिकल रिवाइज है प्ले विद इन प्ले वो द ओल्ड वाइफ स्टेल में भी देखने को मिला अब जो ये द ओल्ड वाइफ स्टेल है इसको क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि ये एक कंफ्यूजिंग फंबल है ऑफ थिएट्रिकल नॉनसेंस मगर कुछ लोगों ने इसे पसंद भी किया और कहा ये एक फेंटेस्टिकल कॉमिक रोमांस है तो ये दोनों ही जो कोट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं जो ओल्ड वाइफ टेल के लिए कहा गए कंफ्यूजिंग फंबल ऑफ थिएट्रिकल नॉनसेंस एंड फेंटास्टिकल कॉमिक रोमांस इसकी स्टोरी लाइन में आपको बता देती हूँ कि तीन यंग मैन हैं जो जंगल में खो गए हैं और बाद में एक ब्लैक स्मिथ जो है उन्हें अपने घर में रहने की जगह देता है अब इन तीन यंग मैन में से एक तो सोने चला जाता है और बाकी के जो दो मैन हैं उनको जो ब्लैक स्मिथ की वाइफ है जिसका नेम है मैज वो एक स्टोरी सुनाती है ओके okay, तो ये ऑलरेडी एक प्ले चल रहा है और अब जब ये वाइफ एक स्टोरी सुना रही है तो अब ये एक दूसरा प्ले स्टार्ट हो गया जो स्टोरी ये सुनाती है उसमें दो ब्रदर्स हैं जो अपनी बहन डीलिया को ढूंढ रहे हैं ओके okay, और डीलिया कहाँ है एक मैजिशियन है जिसका नाम है सेक्रिपेंट तो ये जो सेक्रिपेंट नाम का मैजिशियन है इसने डीलिया को किडनैप कर लिया है और ये दोनों भाई उसे ढूंढने जाते हैं और जब उसके और फिर ये सेक्रेपेंट इन दोनों भाइयों को भी किडनैप कर लेता है इन दोनों भाइयों को भी पकड़ लेता है और ये तीनों ही बचाए जाते हैं एक नाइट के द्वारा यानी एक नाइट एक शोल्डर इन तीनों को बचाता है और इस नाइट की हेल्प करता है एक घोस्ट। ओके तो ये एक स्टोरी लाइन है द ओल्ड वाइफ स्टेल की थ्री यंग मैन लॉस्ट इन वुड शेल्टर्ड बाय अ क्लंच क्लंच मीन्स ब्लैक स्मिथ एंड हिज वाइफ मीज जो कि उसकी वाइफ है अब ये वाइफ इन यंग मैन को स्टोरी सुनाती है जो कि सेकेंड प्लॉट है टू ब्रदर्स सर्चिंग फॉर सिस्टर डीलिया दे आर कैप्टिड बाय सेक्रिपेंट मजिशियन एंड आर रेस्क्यूड बाय अट एडेड बाय अस्ट सो दीज आर दर्क ऑफ जॉर्ज पीले सो जॉर्ज पीले के लिए बस इतना ही बाकी सारे यूनिवर्सिटी विट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके के नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो टिल देन ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग बाय बाय